भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी है। दरअसल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए कनाडा में मौजूद भारत के वीजा एप्लीकेशन सेंटर ने यह घोषणा की है कि इससे पहले कनाडा ने मंगलवार को अपने नागरिकों को भारत के कुछ खास हिस्सों में ना जाने के लिए एडवाइजरी जारी की थी। बुधवार को भारत ने भी इसी तरह की एडवाइजरी जारी कर दी। इसके बाद देर रात कनाडा ने भारत की एडवाइजरी को खारिज कर दिया। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक कनाडा के पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर डोमिनिक लेब्रेक ने ओटावा में मीडिया से बातचीत में कहा कि उनका देश पूरी तरह से सुरक्षित है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें कहा गया था कनाडा में जारी भारत विरोधी एक्टिविटीज के मद्देनजर वहां रहने वाले या वहां की यात्रा पर जाने वाले नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो बहुत सतर्कता बरतें। हालिया वक्त में देखा गया है कि कनाडा में मौजूद इंडियन डिप्लोमेट्स और इंडियन कम्युनिटी के एक खास तबके को धमकियां दी जा रही है। ये वो लोग हैं जो भारत विरोधी एजेंडे को अपनाते हैं और उसका विरोध करते हैं। एडवाइजरी के मुताबिक कनाडा में बिगड़ते हुए सुरक्षा हालात के मद्देनजर वहां मौजूद इंडियन स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। इंडियन कम्युनिटी और स्टूडेंट्स हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दूसरी तरफ बुधवार को खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने कनाडा में रह रहे हिंदुओं को देश छोड़ने की धमकी दी थी। इस पर कनाडाई हिंदुओं ने जस्टिन ट्रूडो सरकार को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में पन्नू के बयानों पर चिंता जताई गई है और उससे हेट क्राइम घोषित करने की अपील की गई है। कनाडाई हिंदू संगठन हिंदू फोरम कनाडा ने मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सेफ्टी डोमिनिक लेब्रेन को यह खत लिखा है। हिंदू संगठन ने अपने पत्र में कहा, पन्नू ने अपनी ओर से अपने खालिस्तानी सहयोगियों के विचारों को स्पष्ट रूप से रखा है। वो ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है। कनाडा सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, जिसका जिक्र किया गया है। खत में ये भी पूछा गया कि क्या पन्नू के इस बयान को अभी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में लिया जाएगा। इससे पहले ट्रूडो ने सांसदों से कहा था कि कनाडा की धरती पर किसी नागरिक की हत्या करवाने में विदेशी सरकार का शामिल होना हमारे देश की संप्रभुता का उल्लंघन है। हम इस हत्या की जांच में सहयोग देने के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय मूल के सिखों की बड़ी आबादी इस हत्या को लेकर गुस्से से भरी है। कई सिख अपनी सुरक्षा को लेकर डर में हैं। देश में करीब 18 लाख भारतीय मूल के नागरिक हैं, जिनमें से कई सिख हैं। कनाडा की विपक्षी पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर जगमीत सिंह सिख समुदाय से ही आते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।